जुगल जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनमन सर्वे के माध्यम से जनता से पूछा कि आप अपने इलाके के सांसद का जो फीडबैक दें कि किस तरह के उन्होंने कामकाज किए, क्या ये उसी का नतीजा है? आप तीसरी बार बने हैं उम्मीदवार। देखिए, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, मैं इतना ही जानता हूँ। और पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनकी सारी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और लोगों की सेवा करने का एक बार पुनः मौका जो है वो दिया है। रही बात कि मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनकी टीम का एक बार फिर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अब मुझे तो मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने कितने सर्वे करवाए हैं, कौन कौन से सर्वे करवाए, लेकिन जनमन की बात आपकी सही है कि वो आम जनता से उन्होंने एक सर्वे करवाया होगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है वो मैं नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे दी गई थी उसे मैंने सेवा भाव और समर्पण भाव से किया है, काम किया है, आगे भी करने की सोच रखी है। अब ये जो दायित्व मिला तो खुशी होती है हर एक को अगर ऐसा दायित्व जिसको भी मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो सेवा भाव से और समर्पण भाव से काम करता है। और आपने देखा होगा कि राजनीति क्षेत्र में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तब फील्ड में आती हैं जब इलेक्शन सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि इलेक्शन हो या ना हो, इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद भी सेवा भाव से लोगों का काम करना प्रारंभ ही रहता है। जुगल जी, आप पिछले 10 साल से जम्मू से सांसद हैं, अब लोकसभा चुनाव आ गया, आपको टिकट मिल गई है, केस अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो आने वाले समय में कौन से कार्य होंगे जिन्हें आप देंगे प्राथमिकता? देखिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना और जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के लिए काम करना, प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास करना, विकास कार्यों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना, अपने क्षेत्र और जम्मू कश्मीर की समस्याओं को लोकसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान करवाना, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ पर आज एक कार्यालय खोला गया, उसके बारे में? ये जो हमारा जम्मू जिला है इसके अध्यक्ष प्रमोद कपाई साहब हैं, उनकी टीम है, और इस जिला में 2 विधानसभा जो हैं वो आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भाई हर विधानसभा में एक इलेक्शन का कार्यालय खोला जाएगा पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए। तो ऐसे ही ये जो हमारा जम्मू ईस्ट जो हमारी विधानसभा है इसके कार्यालय का शुभारंभ जो है वो आज हुआ है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो थे वो इसमें आए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उन्हें लगता है कि विधानसभा लेवल पर जो इलेक्शन की गतिविधियां होंगी वो इस कार्यालय से आगे बढ़ेंगी। वोटर लिस्टें होती हैं, बूथ तक पहुंचना होता है, प्रचार विभाग होता है, पब्लिसिटी होती है, कार्यक्रम होते हैं, प्रवास होता है, तो जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये जो कार्यालय खुले हैं उनका बहुत ही सदुपयोग योग होने वाला है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हम भी जुगल किशोर जी थे और इनसे खास बातचीत आज हमारी हुई। और आप सबको मालूम है लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट कोशिश कर दी है और उसी में जुगल किशोर जी जम्मू से इस बार उम्मीदवार हैं और तीसरी बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।